फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है। लीजिए चाय पीजिए। तू चाय लेकर क्यों आया? मैं अपने बहू के हाथों की बनाई चाय पीऊंगी, जा कह दे उसे। बहू के हाथों की? आपकी बहू मोहल्ले वाले औरतों के साथ सोशल वर्क करने गई है। तो मुझे चाय कौन पिलाएगा? अब तो आपको यही चाय पीनी पड़ेगी, मजबूरी का नाम राम सिंह। टिंग टिंग। हाँ, लगता तो ऐसे ही है, यही पीनी पड़ेगी। कैसी बनी है? एक मिनट, आप खुद ही पीकर देख लीजिए ना। चाय तो बढ़िया बनी है, ऐसी चाय तो मेरे पति बनाते हैं। दस पतियों के मरने के बाद एक औरत की 11वीं शादी की कोशिश। 11वें पति ने भी साइकिल के सामने आकर आत्महत्या कर दी। कमाल है यार राम सिंह, आजकल की जाने कितनी कमजोर हो गई है ना। कुछ खाते पीते है नहीं तो जाने कहां से बनेंगी। हाँ, लेकिन ऐसी भी जान नहीं चाहिए जिससे टकराने से सामने वाला मर जाए। लेकिन नुकसान तो सामने वाले का ही होगा ना साहब जी। यार मेरा एक काम करेगा? एक काम करेगा छोटा सा? हाँ, मुझे एक अखबार पढ़ने दे। ओके। हाँ, 1 करोड़पति लड़की फिल्म के चक्कर में घर से गायब। यार लड़की तो अच्छी है। पता बताने वाले को 5,000 का इनाम। करोड़पति की लड़की है और इनाम 5,000। साहब जी, इस लड़की को पकड़वा के इनाम ले लेते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि ये लड़की के साथ शादी करके करोड़पति बन जाए। वाह, फिर करवा दो ना मेरी शादी। शादी तुमसे? लेकिन इससे अच्छा है ये लड़की आत्महत्या करके शांति से मर जाए। शादी कर रहा है? अबे तेरे बाप ने कभी शादी की है जो तू कर रहा है? बाप का नाम मत लेना। शट अप। वो शादी कैसे करता? शट अप। 5 साल की उम्र में ही वो मर गया। ठीक है, अब तो आप ही मेरे माई बाप हैं। प्लीज मेरी शादी करवा दो। अबे तू शादी कर रहा है या भीख मांग रहा है? मुझे लड़की तो भीख नहीं मिलेगी ना। प्लीज ये भीख आप ही दे दो। अच्छा अच्छा बेटे, ठीक है ठीक है। वो लड़की जब मिलेगी तो मैं उसको पूछ लूंगा, लड़की बेटी तू शादी करेगी? लड़का अच्छा खासा है, सिर्फ सूंड की कमी है।